कोरोना महासंकट के बीच थाईलैंड ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोविड मरीजों के लिए थाईलैंड सरकार ने भेजे 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। थाईलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी मदद के लिए आगे आए। कोरोना मरीजों के लिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे। यूरोपीय संघ के सदस्यों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी आज करेंगे बैठक। कोरोना महामारी पर होगी चर्चा। देश में कोरोना का कहर जारी है। पहली बार एक दिन में 4,000 से ज्यादा मौतें, 37,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में नहीं थम रही कोरोना की बेकाबू रफ्तार। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में देश में करीब 23 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। अब तक देश में करीब 16,70,00,000 से ज्यादा का टीकाकरण। कोरोना को लेकर WHO की बहुत बड़ी चेतावनी। WHO ने भी माना हवा से फैल सकता है कोरोना का वायरस। WHO के मुताबिक एरोसोल के जरिए दूर तक जा सकते हैं कोरोना वायरस। तेज फैलती महामारी की वजह हवा। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत हुई कोरोना पॉजिटिव। कहा, अंदाजा नहीं था ये वायरस मेरे शरीर में पार्टी कर रहा है। दिल्ली के खान मार्केट इलाके में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली खान मार्केट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। बड़े बिजनेसमैन कर रहे थे कालाबाजारी। केजरीवाल के करीबी नवनीत कालरा की तलाश तेज। नवनीत कालरा पर कालाबाजारी का है आरोप। अब तक दिल्ली में 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से आज मांगे रिपोर्ट। जब्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर मांगे रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन से हाईकोर्ट ने आज मांगा जवाब। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला शख्स गिरफ्तार। बढ़ी हुई कीमत पर ऑक्सीजन को बेच रहा था आरोपी। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 341 लोगों ने तोड़ा दम। एक दिन में आए 19,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में कोरोना से हर घंटे 14 लोगों की हो रही है मौत। हर 4.5 मिनट में कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है। दिल्ली में 18+ आबादी वाले 1,84,000 लोगों को लग चुकी है पहली डोज। 38 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। कोरोना संकट के बीच मायावती का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा, मजदूरों के पलायन पर पहले की तरह नाटक कर रहे हैं केजरीवाल। वायुसेना और नौसेना ने कोविड-19 हालात से निपटने के मदद के लिए प्रयास तेज किए हैं। वायुसेना ने ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भरी 400 उड़ानें। कोरोना संक्रमण के बीच मुंबई में लॉकडाउन। मरीन ड्राइव पर पुलिस की सख्ती से पसरा सन्नाटा। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार। बीते 24 घंटे में 898 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 54,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में कोरोना से 71 लोगों की गई जान। कोरोना संक्रमण के बीच मुंबई में सैनिटाइजेशन अभियान। सड़कों पर भारी मशीन से दवाइयों का छिड़काव। गुरुग्राम से लुधियाना तक के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने वसूले 1,20,000। दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों की मनमानी पर लगेगा लगाम। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का दिए निर्देश। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 372 की मौत। उत्तराखंड में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 9,642 नए मामले। संक्रमण से 137 लोगों की हुई मौत। कोरोना संकट के बीच नोएडा में कोविड केयर फैसिलिटी की शुरुआत। नोएडा स्टेडियम में बनाया गया है 50 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। यूपी के अलीगढ़ में नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री का हुआ है भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर और उपकरण बरामद। लखनऊ में एम्बुलेंस का किराया तय किया गया। 10 किलोमीटर तक बिना ऑक्सीजन के 1,000 रुपए होगी कीमत। लखनऊ में 10 किलोमीटर तक ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का किराया 1,500 रुपए तय। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किराया तय किया। यूपी में सोमवार से 11 और जिलों में 18+ युवाओं का टीकाकरण होगा शुरू। गाजियाबाद अयोध्या समेत 11 जिलों में शुरू होगा टीकाकरण। यूपी के जलौन में दूल्हे और बारातियों पर कार्यवाही। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर दूल्हे का कटा चालान। बारात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। दूल्हे की कार समेत 40 गाड़ियों के कटे चालान। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नाइट कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने भांजी लाठियां। नाइट कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। एमपी के विदिशा में पेड़ों के नीचे खुले में कोरोना का इलाज। पिता की डिग्री पर बेटा कर रहा है इलाज। जांच में जुटी पुलिस। एमपी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 17.9%। बीते 24 घंटे में मिले 11,708 नए मामले। 84 मरीजों की मौत। आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के मुफ्त इलाज की घोषणा पर बरसे कमलनाथ। कहा, 14 महीने तक अस्पताल में गरीबों से लूट के लिए माफी मांगे शिवराज। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन रोकने पर गरमाई सियासत। वैक्सीन की कमी को लेकर NSUI का BJP के खिलाफ हल्ला बोल। MP में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन। 21 आरोपियों पर लगाए NSA।
राजस्थान में शादी समारोह पर 1,00,000 का चलान, प्रशासन की कार्यवाही से गांव में हड़कंप, राजस्थान में 31 मई तक शादी समारोह पर रोक। गहलोत सरकार ने लगाया प्रदेश में लॉकडाउन, 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन, 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर रहेगी रोक। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 164 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, 18,231 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी, पुलिस ने डॉक्टर समेत दो एजेंट को दबोचा, 60,000 रुपए में बेच रहे थे दो रेमडेसिविर इंजेक्शन। बिहार में बेकार खड़ी एम्बुलेंस को लेकर हंगामा, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के घर पर खड़ी एम्बुलेंस पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल। विवाद बढ़ने के बाद राजीव प्रताप रूड़ी की सफाई, ड्राइवरों के अभाव में नहीं हो पा रहा संचालन, सांसद निधि के पैसे से खरीदी गई है एम्बुलेंस। पटना में लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर घूमने वालों पर सख्ती, पुलिस ने एक दूसरे से लगवाया गाल पर तमाचा। पटना में पुलिस का अनोखा अंदाज, कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर एक दूसरे से कराई उठक बैठक।